आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं प्रभजीत सिंह। ट्रकों से लूटपाट और माल चोरी के काफी मामले सामने आते हैं। ऐसे भी काफी मामले सामने आते हैं जिसमें माल के साथ गाड़ी ही गायब हो जाती है। ऐसे मामलों में या तो ड्राइवर दोषी पाया जाता है या फिर गाड़ी का मालिक, और कई मामलों का तो कभी पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया हिमाचल के नारकंडा से, जहां 26 अगस्त को सेब के भरे हुए दो ट्रक हैदराबाद के लिए निकले और 31 अगस्त को ये हैदराबाद पहुंचने थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। गाड़ियों के नंबर हम आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाड़ी के मालिक का नाम कुलदीप बताया जा रहा है, जो सोनीपत के बसौदी का रहने वाला है। जिस दिन से गाड़ियाँ गायब हुई हैं उस दिन से कुलदीप का कोई अता पता नहीं है। उसके सारे नंबर जो हैं, कॉन्टैक्ट जो हैं, बंद हैं। इन गाड़ियों में जो माल था, बिल्टियों के मुताबिक वो 15 से 20 लाख उसकी कीमत बताई गई है। हम बिल्टियों की तस्वीर आपको ऊपर दिखा रहे हैं। ये गाड़ियाँ पटियाला के सोडी कार्गो मूवर्स के हिमाचल दफ्तर से भरी गई थी, वहाँ से इनमें माल भरा गया था। तो जब हमने सोडी कार्गो मूवर्स के गुरिंदरपाल सोडी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि जिस दिन से गाड़ियों में माल भरा गया है उस दिन से ना तो गाड़ी के मालिक कुलदीप और ना ही ड्राइवर का कुछ भी अता पता है। तो उनका जो पूरा शक है, उनको पूरा शक है कि कुलदीप ने ही इन गाड़ियों को और माल को गायब किया है। सोडी ने बताया कि उन्होंने कुलदीप के घर जाकर, बसौदी जाकर भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि वो उनको इतना तो पता है कि वो गाड़ी लेके निकला है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आएगा और कहाँ गया है। आइए सुनाते हैं आपको सोडी का बयान। हमारे यहाँ से दो गाड़ियाँ 26/8/2018 जिनका नंबर है HR 46C 97 99 और HR 69C 68 93, ऑनर कुलदीप सन ऑफ रामधन विलेज बसोदी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और उनके साथी ड्राइवर जतेंद्र बिल्लू, ये हमारे पास गाड़ियाँ भरने आई थी, जो कि हमें मनप्रीत सिंह और फुलाडी जो कि लुधियाना में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके द्वारा भेजी गई थी। ये गाड़ियों आज तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची। तो इनके सभी नंबर बंद हैं, इनके सभी ड्राइवरों के नंबर बंद हैं। जब इनके नंबर नॉट एलिजिबल हो गए और 2-3 दिन ये गाड़ी नहीं पहुंची, तो हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया। तो हमने इनके जब नंबर बंद होने के बाद हमने इनकी FIR थाना कुमार से इनमें 2 तारीख को लॉन्च करवा दी गई थी। उसके बाद जब इनके घर जाके इनके सभी संबंधियों से पूछा गया, इनके परिवार वालों से, तो उन्होंने ये बोला कि हमको इतना मालूम है कि गाड़ी लेके गए हुए हैं, पर कहाँ गए हैं हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, उनके नंबर सारे बंद हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर और व्यापारी की तरफ से शिमला जिले के कुमारसेन थाना में FIR दर्ज कराई गई थी। तो इनके मुताबिक जो कुलदीप है, जो गाड़ी का मालिक है, वही दोषी है, उसी ने गाड़ियाँ गायब की हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी ने गाड़ी के मालिक कुलदीप और ड्राइवर से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमने बिल्टियों पर दिए हुए सभी नंबरों पर कॉल की, जिसमें से सभी नंबर स्विच ऑफ आए, लेकिन एक नंबर लगा जिसमें जो नंबर तो बसौदी का ही था। एक महिला ने फ़ोन उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी कुलदीप को नहीं जानती। पहाड़ी इलाकों में कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं और उनकी कोई खबर कई दिनों तक नहीं मिलती, लेकिन इस मामले में दो गाड़ियों का एक साथ गायब होना अपने आप में काफ़ी सवाल उठाता है, जिससे लगता है कि हो सकता है कि गाड़ी का मालिक ही इसका दोषी हो। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बजरंग लाल शर्मा के मुताबिक, जब सेब का सीज़न होता है तो लगभग 7 से 8 केस जो हैं ऐसे आते हैं जिनमें गाड़ियाँ ही माल के साथ गायब हो जाती हैं। ऐसे मामले पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी शर्मसार हैं। सिर्फ कुछ व्यक्तियों के कारण सभी लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और व्यापारी का जो एक विश्वास होता है वो इससे टूटता है। तो ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगा, ताकि इस मामले की हकीकत सामने आए। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हर नई खबर के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।